हाँ जी, तो ये है ज़ाइस की प्राइस लिस्ट नई वाली, जिसकी वीडियो अभी मैंने बनाई नहीं है और शायद यूट्यूब पे किसी ने बनाई नहीं है, और अगर बनाई भी है तो अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। इसकी वीडियो मैं बनाऊंगा। इसके अंदर एक पेज आता है, जैसे यहाँ पे ना आप ये दिख रहा होगा आपको, ये जो कॉर्नर पे ना एक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ज़ाइस का फंक्शनल लेंस। ये है बेसिकली ड्राइव सेफ लेंस, और जो इसकी MRP होने वाली है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक प्रोडक्ट की डिटेल में आपको बताने आया हूँ, लेंस के बारे में बताने आया हूँ, क्वालिटी के बारे में बताने आया हूँ, और बताने आया हूँ इसके फीचर्स के बारे में, क्यों ये हमें लेना चाहिए अगर आपका बजट है तो। कई बार क्या होता है, बजट के अकॉर्डिंग ही मैं चीज़ों को रेकमेंड करता हूँ। इनका बजट अच्छा खासा था, इनको फीचर्स ही सारे चाहिए थे इसलिए उन्होंने लिया है, लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आप यही लो, सबसे बढ़िया यही लेंस है, इसके बढ़िया कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी जेब के अकॉर्डिंग चीज़ों को खरीदना चाहिए। तो हाय हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं मिस्टर अब्दुल शेख यूट्यूब चैनल। वीडियो को शुरू करने से पहले कहूँगा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो ये है ज़ाइस का प्राइस लिस्ट, स्क्रीन पे चल रही है। इसके अंदर है ज़ाइस फंक्शनल लेंस। इसके अंदर एक लेंस आता है जिसका पूरा नाम है ज़ाइस प्रोग्रेसिव ड्राइव सेफ लेंस, और ये बेसिकली जो ये प्रोडक्ट है, ये है 1.50 इंडेक्स के अंदर ज़ाइस ड्राइव सेफ इंडिविजुअल प्रोग्रेसिव। MRP इसकी रहने वाली है 29750। जी हाँ, 29,750 रुपये की इसकी MRP है, प्लस 7,000 रुपीज़ का जो इसके अंदर फोटो फ्यूज़न एक्स एक्स्ट्रा ग्रे वाला है वो भी ऐड किया गया है, तो इसका टोटल अमाउंट हो जाता है 36,750। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैंने बहुत अच्छा डिस्काउंट पे इनको दिया हुआ है, क्वालिटी अल्टीमेट है, ये टॉप वेरिएंट आ जाता है। अगर बात करूँ इसके डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि इसका कितना ज़्यादा वाइडर डिज़ाइन होगा इंडिविजुअल का, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। ये होना चाहिए, कंपनी ने दिया नहीं है। मे बी शायद ये वीडियो देखे तो वो इसका डिज़ाइन दे दें, लेकिन इसमें है नहीं डिज़ाइन। ठीक है, तो फंक्शन की बात मैं करूँ, ये वीडियो स्क्रीन पे आपको चल रही है, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अगर इसके फंक्शन जो है ना, ये मेनली आपको ड्राइविंग पे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला, लाइक ये अल्टीमेट है ड्राइविंग सेफ के अंदर। ड्राइव सेफ टेक्नोलॉजी अभी तक बहुत सारी कंपनियों ने निकाला है, लेकिन किसी का काम नहीं कर रहा है उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा उसको काम करना चाहिए, और जो एडवर्टाइजिंग वो करते हैं। ज़ाइस का जो ड्राइव सेफ है, चाहे वो सिंगल विजन हो, चाहे वो प्रोग्रेसिव, चाहे कोई भी कस्टमाइज लेंस अगर आप ले रहे हो, अगर वो ड्राइव सेफ टेक्नोलॉजी में आता है, तो एज अ शॉपकीपर और किसी कस्टमर को अगर मैं देता हूँ ना, तो पहले उसको क्या होता था कि मैं फील करवाता था। एक बार एक कस्टमर आए थे हमारे पास सिंगल विजन लेने के लिए, तो उनको मैंने बोला पहले आप आओ, बाद में हम इसको फिट करेंगे। फिर उन्होंने वो लेंस को चेक किया, लगा के नाइट के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया, तब उन्होंने कहा कि इसको लगा दो, तब मैंने उसको वो फिट किया था। तो जो एक्चुअल काम करता है, जो एक्चुअल में काम करता है, वो है ड्राइव सेफ की टेक्नोलॉजी वाले में। कार्ल ज़ाइस का ही लेंस ड्राइव सेफ में काम करता है। ये नाइट में आपको बारिश में और हल्का सा रोशनी कम हो तो उसमें भी, यानी कि शाम के टाइम पर भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करने वाला है। एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा महंगा है, मानता हूँ, बजट है तो ले सकते हो, वरना ड्राइव सेफ की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली दुबई में कोई ड्राइवर है जिनका ड्राइविंग का जॉब है, ये उन्होंने मुझसे लिया हुआ है, और मैं भी उनके पास होंगे इतने ज़्यादा पैसे तो उन्होंने ले लिया, लेकिन चीज़ बहुत बढ़िया। ठीक है, क्वालिटी बहुत अल्टीमेट है, और फोटो फ्यूज़न एक्स है तो धूप ज़्यादा है, जाहिर सी बात है दुबई के अंदर धूप ज़्यादा होती है, तो धूप अगर ज़्यादा रहेगी तो उसमें तो काम करना ही करना वाला है। फोटो फ्यूज़न एक्स एक्स्ट्रा ग्रे, वो तो जेड ब्लैक हो जाता है। ये तो होगी इसकी प्राइसिंग और टेक्नोलॉजी के बाद, अब दिखाता हूँ वो चश्मा और लेंस, और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन आती है जिसको हमें चेक करना चाहिए, और ओरिजिनलिटी की मेन पहचान क्या है वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। मेन चीज़ तो ओरिजिनलिटी है, क्योंकि इतना महंगा चश्मा है, इतना महंगा लेंस है, और अगर उसके अंदर हमको डुप्लीकेट मिल जाए या दे करके कुछ और दे दे, नॉलेज ना हो, तो फिर तो भैया ये तो बेकार काम हो जाने वाला है। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए, जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, ये है रैपर, रैपर की पिक मैं डालता हूँ, सारी डिटेल तो पहली बात तो यहीं पर लिखी हुई आ जाती है। डी ड्राइव सेफ अगर आप लेते हो ना, कोई भी जो मेक टू ऑर्डर बनता है, तो DRS लिखा हुआ आता है, और इंडिविजुअल है तो IND ये लिखा हुआ आएगा रैपर के ऊपर। फोटो फ्यूजन एक्स ग्रे कलर है, तो ये फोटो फ्यूजन एक्स ग्रे कलर भी यहाँ पे मेंशन है, आप ये देख सकते हो। साथ ही में आने वाला एक स्प्रे और क्लॉथ, और एक ये केस ज़ाइस का ट्राइंगल वाला केस।
बस ये तीन चीज़ आती है जो आपको मिल रहा है इतना महंगा लेंस देने के बाद भी, तो ये भी ध्यान में रख करके बाय करना है। मे बी कंपनी को चाहिए, अगर इतना एक्सपेंसिव लेंस है तो स्मार्ट लाइफ की किट तो देनी ही चाहिए थी जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि यार इतना एक्सपेंसिव लेंस अगर कोई लेता है, लाइक अगर आप स्मार्ट लाइफ का 10-12 हज़ार के लेंस भी लेते हो ना, तो आपको किट मिलती है जो प्रॉपर किट है, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, साथ में 30 वाइब्स भी होती है और एक केस होता है, जाके थोड़ा सा प्रीमियम लग्जरी लगता है। इतना महंगा होने के बाद भी ये तीन चीज़ हाथ में, हमारे हिंदी वर्ड में कहते हैं ना, झुंझुना पकड़ा दिया, ये वो है। तो ये चीज़ हमारे को थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। ये इसके जगह कोई और बेटर ऑप्शन इनको निकालना चाहिए कि कस्टमर को सेटिस्फाइड रहे, कि कस्टमर खुश हो। हमने ये कस्टमर को खुश करने वाली बात होती है कि चीज़ मिली, इतना महंगा लिया तो कम से कम चीज़ हमें कोई चीज़ इसके साथ आई हुई है, क्योंकि आजकल इंडिया के अंदर सीज़न चल रहा है गिफ्टिंग का, तो एक तरह का गिफ्ट है वो, तो गिफ्ट थोड़ा सा अच्छा हो, जिसमें बेटर क्वालिटी लगे, अच्छी 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 चीज़ें डालो ताकि कस्टमर खुश हो। साथ ही में एक आएगा ऐसा डॉक्यूमेंटेशन, ये मैं भी आप पिक डाल रहा हूँ, आप आराम से देख लो। इस डॉक्यूमेंटेशन की बात भी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें तो पहली बात तो राइट साइड की पावर लेफ्ट साइड की पावर दोनों मेंशन होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, ये कौन सा सेगमेंट पे रीडिंग में डिस्टेंस में क्या क्या पावर आपके आने वाली है, राइट साइड में ये पूरी डिटेल है और लेफ्ट साइड में भी पूरी डिटेल है। तो अब हम आते हैं स्पेक्स के ऊपर, और उसमें भी दो तीन चीज़ें ओरिजिनलिटी की है जो देखनी चाहिए हमें। ये हो गया आपका चश्मा, ठीक है, हल्का सा येलोइश टिंट है क्योंकि ब्लू कट टेक्नोलॉजी भी इसमें यूज़ है और ड्राइविंग के लिए भी यूज़ है, लेकिन क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है क्योंकि मेरी पावर नहीं है। यहाँ पर जो इस जगह पर आपका नाम आ जाने वाला है और इंडेक्स लिखा हुआ होता है कि क्या इंडेक्स आपने लिया है प्रोडक्ट की, आईडी, जो कोड मैंने आपको दिखाया ना उसके डॉक्यूमेंटेशन पे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हो। और एक चीज़ इसके अंदर कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ मैं तो, नहीं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इस पर। और लोगों की अगर मैं बात करूँ, कोई भी जो RX में बनता है ना, लोगों की मैं बात बता दूँ, 1, 2, 3 तीन लोगों एक लेंस पे और तीन लोगों एक लेंस पे आ जाता है, ये है इसकी ओरिजिनलिटी की पहचान। और अगर मैं कस्टमाइज लेंस क्या होता है, सपोज़ एक ये वाला हिस्सा आ गया आपका डिस्टेंस का, देख रहे हो आप, इतना हिस्सा डिस्टेंस का हो जाता है ये पूरा, फिर उसके नीचे जो इतना एरिया आएगा ना, जो इंटरमीडिएट आ जाता है, लाइक आप ड्राइविंग कर रहे हो, कंप्यूटर यूज़ करते हो, तो उसमें आपको हेल्प करेगा। और नीचे वाला जो पूरा एरिया है ये आपका आ जाता है रीडिंग का, तो इसको कस्टमाइज लेंस कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे इसके डिज़ाइन की बात, और क्वालिटी तो अल्टीमेट है ही, ये मेरी गारंटी है। आंख बंद करके लो, ज़ाइस का कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो, लेकिन लो वो जिसके आपने पैसे दिए हैं। कई बार क्या होता है, 1.50 इंडेक्स आपको ज़रूरत है, लेकिन वो आपको इंसिस्ट करते हैं ऑप्टिकल वाले कि 1.60 ले लो, ये ज़्यादा बेटर, इसकी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी है। लेकिन वो क्या करते हैं कि आपको 1.60 के पैसे ले लेते हैं, लगाते हैं 1.50 है, और रैपर वगैरह देते नहीं हैं। कार्ड, आजकल मेरे बहुत सारे केसेस आए हैं कि कार्ड कस्टमाइज, मेरे पास कई कस्टमरों ने भेजे हैं कि ये कार्ड के ऊपर, कार्ड तो ऐसा ही था लेकिन ये ग्रे नहीं था, कुछ और प्रिंट करके उन्होंने मुझे भेजा है, जिसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ हूँ कि यार ऐसा भी चल रहा है मार्केट के अंदर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इसके ऊपर ना आपका ऑर्डर नंबर लिखा हुआ होता है, ये ऑर्डर नंबर और LRC नंबर, ये दोनों मैच ज़रूर करो। वेबसाइट पे जाओ, जा कर के आप डाल के देख सकते हो किस नाम पे ये इशू है, अब मेरे ख्याल वेबसाइट पे, नहीं तो आप कस्टमर केयर, इसके कस्टमर केयर पे भी कॉल करके पता कर सकते हो। कस्टमर केयर email ID यहाँ पे नीचे, यहाँ इस जगह पे लिखी हुई होती है, वो भी मैं आपको डाल देता हूँ। तो ये थी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ज़ाइस के ड्राइव सेफ इंडिविजुअल फोटो फ्यूजन एक्स एक्स्ट्रा ग्रे कलर फोटो ग्रे प्रोग्रेसिव की। वीडियो करता हूँ यहीं पे ख़त्म। आपको इसमें से कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और रही बात इसको बाय करने की, तो बाय करने का सबसे अच्छा तरीका ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप कभी भी कॉल करो, बाय कर सकते हो एनी टाइम एनी वेयर, बिल्कुल ईजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन कई बार मन में डाउट रहता है प्रोग्रेसिव का सेंटर कैसे लेंगे, तो जैसे मैंने चश्मा पहना हुआ है, ये मेरी पोजीशन है, आप एक ऐसी पोजीशन पे आपको एक सेल्फी लेनी होती है, उससे हमारी आईज़ का सेंटर हमें मिल जाता है कि कहाँ पे वो सेंटर आ रहा है आपका। तो ये बहुत ईजी है, सरल है, कोई दिक्कत वाली बात आने वाली नहीं है। बाकी आप मेरे को व्हाट्सएप पर कॉल करो या मैसेज करो, मैं आपको सारी इंस्ट्रक्शन दे दूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, दुनिया जान के तमाम सारी खुशियाँ अता फरमाए। जय हिंद।